वेलकम बैक अगेन। आज मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूँ इनवर्स ट्रिगो का एक बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्कूल स्पेशल क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द पब्लिक स्कूल्स आजकल जब भी टफ पेपर बनाना चाहते हैं, इनवर्स ट्रिगो का एक अच्छा क्वेश्चन डालना चाहते हैं, तो इस क्वेश्चन का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं कैसे होगा। तो क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स रूट ऑफ वन माइनस एक्स माइनस रूट एक्स रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर को सिंप्लीफाई करें। इस क्वेश्चन का नाम है स्कूल स्पेशल, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्कूल में प्री बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। एक ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है जिसकी ट्रिक आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी। मेरे बच्चे ध्यान से देखिएगा। मेरे बच्चे देखो, इस स्टेप में मैंने सिर्फ एक चेंज किया है, ध्यान से देखना। देखो यहां पर ये जो x है, क्या मैं इसे लिख सकता हूं रूट एक्स का स्क्वायर। मैंने बाकी सारी की सारी चीजें मेरे बच्चों एज इट इज नोट करी है, सिर्फ मैंने रूट एक्स को बोल दिया, इस x को बोल दिया रूट एक्स का स्क्वायर। और कैसा बोला जा सकता है? जी हाँ, क्योंकि रूट एक्स का स्क्वायर कैंसिल होकर के वापस एक्स ही तो बनता है मेरे बच्चों, तो ऐसा बिल्कुल बोला जा सकता है। तो मैंने सिर्फ इस स्टेप में एक बदलाव किया बेटा, मैंने एक्स को बोल दिया रूट एक्स का स्क्वायर। और यही इसमें ट्रिक है जो आपको थोड़ा सा अपने आपको याद दिलानी पड़ेगी हर बार। अगर क्वेश्चन आता है तो एज इट इज आता है, इसलिए याद करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होगा। अब मेरे बच्चे देखो, बाहर है साइन इनवर्स। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना होता है, अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर अगर कैंसिल करना है तो कोई ना कोई साइन बनना चाहिए ना, साइन समथिंग, तभी तो दोनों के दोनों कैंसिल हो पाएंगे, करेक्ट है। तो अगर बाहर साइन इनवर्स है, चीजें मल्टीप्लाई भी हो रही है, प्लस माइनस भी हो रही है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों में से साइन वाला, ये चार फॉर्मूले हमारे 11th क्लास के हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। जनरली इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई ना कोई इन्हीं में से फॉर्मूला लगता है। अब हम देख रहे हैं कि अगर बाहर साइन इनवर्स है तो हम अंदर चाहते हैं साइन बने, तो हम कोई ना कोई साइन का फॉर्मूला लगाना चाहेंगे ऑब्वियसली। और बीच में माइनस है तो हम जिस फॉर्मूले बीच में माइनस आता हो उसे लगाना चाहेंगे। तो बेसिकली इस वाले क्वेश्चन में हम चाहते हैं कि अंदर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएं। ये इसका थॉट प्रोटेक्ट प्रोसेस है क्वेश्चन का, हाउ डू वी प्रोसीड फर्दर। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है तो मैं चाहता हूं अंदर कोई साइन का फॉर्मूला लगे, बीच में माइनस है तो मैं चाहता हूं बीच में माइनस रहे, तो ये वाला फॉर्मूला सबसे वेल सुटेड है। अब हमें अपना ये जो इनसाइड, जो इसका बेस है, जो अंदर की चीज है, उसे कोशिश करके इस प्रकार का बना लेना है, ठीक है। कैसे बनाएंगे ध्यान से समझते हैं। और इसमें हमें सिर्फ फर्स्ट वाले, ऐसा करते हुए भी हमें सिर्फ फर्स्ट वाले पोर्शन पे फोकस करना चाहिए, दूसरा वाला अपने आप बन जाता है। कैसे कर रहे हैं इस पे फोकस, ध्यान से देना बेटा। हम चाहते हैं कि ये जो फर्स्ट चीज है ये साइन ए बने। बच्चे हम चाहते हैं कि ये जो फर्स्ट चीज है ये साइन ए बने बेटा, तो इस चीज को साइन ए बनाना चाहते हैं। तो हमने लिख दिया लेट एक्स बी इक्वल्स टू साइन ए। हमें बच्चे जब हमने बोल दिया लेट एक्स बी इक्वल्स टू साइन ए, तो ये चीज बन गई साइन ए। अब मेरे बच्चे जो ये दूसरी वाली चीज है, जो ये दूसरी वाली चीज है, इसको हम लोग चाहते हैं कि मेरे बच्चों ये कॉस बी बने। मेरे बच्चे ये जो दूसरी वाली चीज है इसको हम लोग चाहते हैं कॉस बी बने, ध्यान से सुनना। तो इस पूरी की पूरी चीज को बेटा, मैं दोबारा से हाईलाइट कर रहा हूं बेटा, इस पूरी की पूरी चीज को अगर मैं कॉस बी बनाना चाहता हूं इस फॉर्मूले में बिठाने के लिए, तो इसका मतलब कि मुझे बोलना चाहिए कि लेट रूट एक्स बी इक्वल्स टू साइन बी। दिमाग लगाइएगा मेरे बच्चों, अगर मैं रूट एक्स को साइन बी डालता हूं बेटा, अगर मैं रूट एक्स को साइन बी डालता हूं तो हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर बी। वन माइनस साइन स्क्वायर बी होता है कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी का अंडर रूट होता है कॉस बी, और मुझे कॉस बी बनाना था, कॉस बी बन गया। एक बार दोबारा से मेरे बच्चों, मैंने साइन इनवर्स था, अंदर साइन का फॉर्मूला लगाना है, साइन का ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहता हूं अगर, तो फर्स्ट चीज को मैच करा लेना चाहिए, दूसरी अपने आप मैच हो जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग पहली चीज साइन ए होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने एक्स को मान लिया साइन ए। अब जो दूसरी चीज है वो कॉस भी होनी चाहिए, लेकिन सॉल्व होने के बाद। तो मैं यहां पर रूट एक्स को डाल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पर रूट एक्स को डाल रहा हूं साइन बी, ताकि ये पूरी की पूरी चीज सॉल्व होने के बाद कॉस बी बने। कैसे? वन माइनस साइन स्क्वायर बी इज कॉस स्क्वायर बी, उसका अंडर रूट इज कॉस बी, बन गई ये वाली चीज कॉस बी, करेक्ट है। तो इसको हमने रूट एक्स को मान लिया साइन बी। अब मेरे बच्चे यहां पर मैंने लिख दिया साइन बी और इसका हो गया स्क्वायर माइनस, यहाँ पे रूट एक्स आया, रूट एक्स को मैंने साइन बी माना है। मैंने आपको बताया सिर्फ फर्स्ट चीज को बिठाओ, दूसरी वाली में पुट करो, अपने आप आएगा। तो रूट एक्स को मैंने डाल दिया साइन बी इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स मैंने किसको माना था साइन ए को, तो उसका स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर, करेक्ट है मेरे बच्चे। मैंने फर्स्ट वाले पोर्शन को देख करके यहाँ साइन ए डाला, इसके अंदर साइन बी डाला,
सेकंड वाले में डायरेक्टली पुट कर दे यहाँ साइन बी और यहाँ साइन ए। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, समझते हैं मेरे बच्चों। देखिए क्या हुआ यहाँ पर, मेरे बच्चे बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी का अंडर रूट इज कॉस बी, तो हो गया साइन ए इंटू कॉस बी। फिर मेरे बच्चे ये है साइन बी, यहां पर हो गया मेरे बच्चे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, सो व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए का अंडर रूट कॉस ए, तो ये आ गया मेरे बच्चे कॉस ए। आई होप आप समझ पा रहे हैं, लेट मी टेक यू थ्रू दिस वंस अगेन। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए का अंडर रूट इज कॉस ए। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो फॉर्मूला बन गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल फिट बैठ गया और ये बन गया मेरे बच्चों साइन ए माइनस बी। बच्चे साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, अब ए की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे, अगर वहां पर भेज दे तो ए की वैल्यू है साइन इनवर्स रूट एक्स, तो मेरे बच्चे मैंने फिर ए की जगह पर लिख दिया बेटा ए की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स एक्स, तो मैंने ए की जगह पर लिख दिया साइन इनवर्स एक्स। और मेरे बच्चे बी की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे, साइन इनवर्स रूट एक्स। ये मेरा सिंप्लीफाइड आंसर है इसका। ऑलराइट मेरे बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा, प्लीज इसे रीप्ले करके बाद में दोबारा से देख लें। अच्छा क्वेश्चन, बहुत सारे स्कूल जिसे अपने पेपर में देते हैं, हमारे चैनल पे स्टे ट्यून रहें और अच्छी वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू।